हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आपका अपना विशाल गिलावत आज फिर से आ गया हूँ काफ़ी टाइम बाद एक नया ब्लॉग लेके। तो आज मैं जा रहा हूँ चंडीगढ़। जैसे कि आप लोगों को पता है, और जिनको नहीं पता मैं बता दूँ, मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ और अभी तक मेरी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी और अब मेरी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो मैं जा रहा हूँ चंडीगढ़। चलो ठीक है अमन जी, बाय बाय। ओके बेटा बाय। अब तो मैं 1 महीने बाद आऊँगा। एक महीना बाद? ठीक है दादा, चल लूँ मैं। हाँ राम राम दादा, ठीक सब बाय कर दे। हूँ आ जा दे, 2 दिन थी मम्मी ने दुखी करण थी, आ जा। मेरी माँ ने दुखी करण थी, आ जा 2 दिन थी ना तेल लेके दो आने थी। डी पीछे रख दे साइल। अभी घर से तो मैं निकल चुका हूँ, अभी हम सीधा जाएंगे अपने ऑफिस पे जो कि है द्वारका में। वहाँ से कुछ कपड़े हैं वो उठाने हैं, एक दो चीज़ें और इम्पोर्टेंट वो लेके जानी है और फिर सीधा निकलेंगे चंडीगढ़। और आज मैं अकेला जा रहा हूँ और यार मुझे अकेला अभी तक, जैसे मैं पहले भी गया था तो अकेला नहीं गया क्योंकि ज़्यादा ड्राइव करना मुझे पसंद नहीं है। मतलब ठीक है थोड़ा बहुत 1-1.5-2 घंटे चला ली, बट 5 घंटे का रास्ता है यहाँ से तो थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है मेरे लिए। तो मुझे नहीं पता कैसा रहेगा, बट हाँ स्टे विथ मी, मज़े तो आने ही वाला है। क्या कह रहे हो, क्यों मज़े आने वाले? क्यों बोर कर रहा है फालतू में? हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है तेरी वीडियो देखने में। क्या कर सकते हैं यार, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग में हर दिन प्रतिदिन इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता जाऊँगा। बस तुम सपोर्ट करते रहना, शेयर करते रहना, मेरी कोई भी चीज़ अच्छी लगती है तो तुम्हें, ठीक है? और भाई जिन्होंने मेरे प्रैंक्स नहीं देखे हैं वो जाके प्रैंक्स भी देख सकते हो। चलो मैं फ़ोन रख देता हूँ वरना तुम्हारे भाई की गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी और फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर वीडियो नहीं बना पाऊँगा, समझ रहे हो ना तुम? चलो बाय बाय, रोड भी ख़राब है ये वाला। तो ये है अपना ऑफिस और मैंने ये सामान पैक कर लिया है, कैमरा ले लिया है। तो भाई यहाँ पे अभी डल रहा है डीजल, तो अभी हम डलवा रहे हैं डीजल ताकि बीच में हमें रुकना ना पड़े, जूजू करके सीधा चंडीगढ़ पहुँच जाए। हो गया भाई? चलो पता नहीं यार, एकदम लगा गाड़ी थोड़ी सी टायर पंचर सा हुआ। मैं भाई बुरी हालत हो जाती, थैंक गॉड बच गए, टायर पंचर नहीं था, बस वैसे ही थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहा था। टायर पंचर हो जाता ना आज तो बुरा हाल हो जाता भाई। 1 घंटा यहाँ पे दूर दूर तक कोई भी नहीं है, 1 घंटा लग जाता टायर चेंज करने में। चलो तो कुछ आइसक्रीम खा लेते हैं, काफी देर हो गई है ड्राइव करते हुए। भैया सॉफ्टी दे दो, एक वनीला और स्ट्रॉबेरी, ये दो ही डालना, चॉकलेट वगैरह मत डालना। तो काफी देर हो गई थी ड्राइव करते करते तो हमने सोचा थोड़ा सा ब्रेक ले ले, आइसक्रीम ब्रेक, क्योंकि यार बोर हो जाता है गाड़ी चलाते चलाते, मतलब मेरा ज्यादा मन नहीं करता। तो अभी 2 घंटे का रास्ता और बाकी है, अभी हम शायद पानीपत पहुंचे हैं। हाँ 20 रुपए हो गए, अंदर तो डाल ली नहीं यार तुमने। तो मैं 5 से 10 मिनट में लोकेशन पे पहुंचने वाला हूँ। तो भाई ये वाली सोसाइटी है शायद, तो हम पहुंच गए हैं। नितिन कहाँ है भाई? ये रही शायद ये वाली गाड़ी है। हाँ भाई ऊपर आ गए हैं फ्लैट में, तो ये अपने नितिन भाई, ठीक है? तो हमारे भगत सिंह जी वो हमारे भगत सिंह जी, सही बात है। पेड़ पौधे दे रहे, मतलब बढ़िया डेकोरेट कर रखा है यार। आने के बाद थोड़ा बहुत कुछ खा लिया था और अभी हम देख रहे हैं मूवी डाकुआ द मुंडा, पंजाबी मूवी है, मतलब मज़े आ रहे हैं फिलहाल तक। और अभी एक भाई का बर्थडे है, शायद केक कटवाने के लिए जाएंगे। तो भाई साहब 12 बजने में भी है कोई 20 मिनट, तो एक भाई का जन्मदिन है तो उसके पास जा रहे हैं। नितिन भाई और ये मनदीप भाई, दिखाओ शक्ल एक बार, दिखी? हाँ ये देखी, राम राम भाई। तो ये भाई हमारे फैमिली ब्लॉग से, तो थोड़ा सा अच्छे ही शब्द का प्रयोग करें कृपया करके। ओहो राम से राम से, हम सोसाइटी में पहुँच चुके हैं। अरे ओहो छोड़ दे मामा।
नितिन की दबा नितिन मना दिया भाई हैप्पी बर्थडे कमू तो यार आ रहा भाई बर्थडे अपने विक्की चनाना भाई का के देखो सब कर चल 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 हैप्पी बर्थडे टू जू हैप्पी बर्थडे टू जू हैप्पी बर्थडे टू जू पकड़ के मेरे बूटी के फटे की नाम।